गिरधर नागर जपती मीरा श्याम का नाम लुभाया। गिरधर नागर जपती मीरा श्याम का नाम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत के भक्तन संतन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। श्री जी की आपकी कृपा ये परम रस जिसे गोपिकाएं कहती हैं गोपिका गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, आपकी कथा अमृतमयी है। देखो वैसे कथा को अमृत के साथ तुलना करना भी गलत है, लेकिन गोपिकाओं के सामने इससे अधिक श्रेष्ठ शब्द नहीं था, इसलिए उन्हें इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा, जबकि अमृत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई और शब्द नहीं मिल रहा, इसलिए गोपिकाएं कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। जो जो भी आपकी कथा का आपकी वाणी का श्रवण करता है उसका मंगल ही होता चला जाता है। भले एक पल के लिए भी आप उस रस में शामिल हो जाते हैं तो उस वो रस भी आपको सराबोर कर देगा। एक बूंद भी आपको मिल जाए, बूंद भी आपको आनंदित कर देगी। आप लहरों के करीब भी चले जाइए, केवल दर्शन ही कर लीजिए, तब वो आपको आनंद प्रदान करेंगी। एक सूक्ष्म अनुभूति कहीं ना कहीं आपके भीतर आ ही जाएगी। इसलिए जितने रूपों में भगवान प्रकट हो रहे हैं, भागवत में तो 24 अवतारों का जिक्र है, जबकि भागवत तो आज से आप लगा लीजिए कि 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी इसका वर्णन कर रहे हैं, तो तब तक जितने मूल रूप में अवतार हुए उनकी चर्चा हो रही है। उसके बाद भी अवतार हो चुके हैं, उसके बाद भी भगवान प्रकट हो चुके हैं, और इसके अलावा अनंत अनंत रूपों में भगवान प्रकट है। क्योंकि ये धरती इतनी पवित्र है, पावन है, ये कभी प्रभु से विहीन होती नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई रूप में, किसी ना किसी छवि में, किसी ना किसी अनुभूति में भक्त के भगवान उतरते ही रहते हैं। 24 अवतार जिसका जिक्र भागवत करती है किस लिए? गीता में मैंने पहले कहा, गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म का प्रचार होने लग जाता है, जब जब दुराचारी शक्तियां अधिक मजबूत होती हैं और सात्विक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, तब तक मुझे आना पड़ता है। गीता में भगवान रणभूमि में खड़े हैं, महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र की धरती है, और गोविंद के सन्मुख दुराचारी लोग हैं, तो उनको देखकर भगवान थोड़ा जोश में कह देते हैं, बोले इनके कारण मुझे आना पड़ता है। लेकिन भागवत इस सिद्धांत की बात नहीं करती, वो स्पष्ट करती है, बोले किसी दुष्ट के कारण भगवान कभी नहीं आते। दुराचारी शक्ति का उद्धार करने के लिए भगवान को मात्र संकल्प ही काफी है, लेकिन जो प्रभु का आगमन धरती पर होता है वो केवल भक्तों के लिए होता है। जब भक्तगण, जब प्रेमी जन, जब संत महात्मा मिलकर भगवान को पुकारते हैं, तो उनकी पुकार सुनकर, उनके भाव को सुनकर भगवान प्रकट होते हैं। तभी गोपिकाएं कहती हैं इन्हें हम बिठामे गे आँखों में दिल में
वहीं इनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, इन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, वही इनको झूला झुलाया करेंगे। इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एक प्रेम का बंधन जिसे भागवत स्वीकार करती है। बोले जब भक्तगण, जब संत महात्मा के भीतर की अंतरात्मा की पुकार उठती है तो प्रभु को आना पड़ता है किसी रूप में से। इसलिए भागवत उन रूपों का जिक्र करती है। समुद्र मंथन की गाथा में भगवान तीन रूपों में प्रकट होते हैं। देवताओं का और असुरों का आपस में संग्राम हुआ तो मंथन करते हैं समुद्र का। मंदराचल पर्वत की मधानी बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी। एक छोर पर देवता है, एक छोर पर असुर हैं। और विष प्रकट हुआ तो महादेव उस हलाल का पान करते हैं। मंदराचल धसने लगा तो नारायण कुरुम रूप धारण करके प्रकट हो गए। कुरुम रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कितने रत्न यहाँ से प्रकट हुए हैं। फिर धनवंतरी रूप में अमृत कलश लेकर भगवान प्रकट हुए और अमृत को छीनकर दैत्य लेकर गए तो समस्त देवतागण भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं तो नारायण मोहिनी रूप धारण करके प्रकट होते हैं और उस अमृत का पान देवताओं को करवाया। जितने रूप भगवान के प्रकट हैं उसके मूल में कोई ना कोई भगवान संदेश लेकर आते हैं। वामन रूप में भगवान प्रकट हुए अदिति और कश्यप के यहाँ पर। गौर वदन सात वर्ष की आयु और समस्त देवतागण अपना अपना कुछ अंश उन्हें प्रदान करते हैं। हाथ में जपमाला और कोपीन पहने हुए महाराजा बलि के यहाँ आते हैं। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं महाराजा बलि। और बलि का सोमा यशोमेध यज्ञ चलता है तो उसी वक्त भिक्षा लेने के लिए वामन रूप में भगवान प्रकट होते। कद छोटा है, बोना कद, इसलिए नाम हो गया वामन। वामन भगवान आए और अलग जगाई भिक्षाम देही। सोमा अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और गुरुदेव शुक्राचार्य जी इस यज्ञ को पूर्ण करवा रहे हैं। और ठीक उसी वक्त वामन भगवान नंगे पग चलकर जपमाला लेकर जाप करते, अपने नाम का स्मरण करते हुए महाराजा बलि की यज्ञशाला पर पधारे हैं। भिक्षाम देही। और अद्भुत रूप जिसे देखकर जो सैनिक थे उनका मन भी आकर्षित हुआ। सैनिक गए और जाकर खबर दी महाराजा बलि को, राजन चलिए द्वार पर कोई भिक्षु आया है, कोई ब्राह्मण है और बड़ा विलक्षण रूप है उनका। गौर वदन है, छोटा सा कद है और देखने से मन आकर्षित हो जाता है। आप चलिए एक बार दर्शन कर लीजिए। याचक हैं, कुछ भिक्षा लेने के लिए आए। शुक्राचार्य ने निर्देश दिया, बोले बलि मत जाइएगा, छल भी हो सकता है, सोमा अश्वमेध यज्ञ चल रहा है आपका, इसे पूर्ण कीजिए। लेकिन बलि कौन है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद के पुत्र हैं तो वही संस्कार उसके भीतर भी हैं। बोले गुरुदेव, द्वार पर कोई याचक आया हो और हमारा धर्म है सबसे पहले याचक की याचना सुनी जाए, ना जाने वो किस उद्देश्य से आया हो, उसे कितनी आवश्यकता हो। और मुझे लगता है कि इस यज्ञ से भी अधिक आवश्यक यही है कि अगर दर पर कोई आया है भिक्षु बनकर तो हमें वहां तक चलना चाहिए, उसकी फरियाद सुननी चाहिए। गुरुदेव निर्देश देते, बोले बलि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, बोले धर्म संस्कृति यही सिखाती है, मेरे दादा प्रहलाद शिरोमणि भी इसी बात को सिखाते हैं और गुरुदेव आप भी यही कहते हो, याचक आए याचना करे तो सबसे पहले उसकी याचना सुननी चाहिए। यज्ञ छोड़कर बलि पधारे हैं द्वार पर।
और बलि ने भी जब वामन भगवान के रूप को देखा तो मन बड़ा आकर्षित हुआ, द्रवित हो गए। देखो एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। रूप माने जिसको देखने के बाद संसार की कामना आपके चित्त में प्रवेश करती है, जिसको देखने के बाद आपका मन संसार की कामनाओं की ओर आकर्षित हो जाता है। और स्वरूप माने जिसको देखने के बाद आपको ब्रह्म की याद आती है, जिसको देखने के बाद आपके मन में सात्विक कामनाएं जागृत हो जाती हैं, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको संसार फीका लगने लगे और गोविंद प्यारे लगने लगे। और जब वामन भगवान के रूप को देखा तो बलि का मन बड़ा आकर्षित हुआ, सहज एकदम मन हुआ और वामन भगवान सन्मुख खड़े हैं। भिक्षां देहि, कहिए ब्राह्मण देव क्या चाहिए आपको। बोले महाराजन आपके बारे में बहुत सुना है, धर्म के मर्मज्ञ हैं महाराजा बलि। और वामन कहते हैं बोले आपके दर पर कुछ मांगने के लिए। बोले आप मांगिए जो चाहिए आपको, बस मुझे केवल 3 पग भूमि का दान चाहिए। अब देखो भगवान का कद भी छोटा है, बोने हैं और पाम भी छोटे छोटे हैं, तो बोले 3 पग भूमि होती कितनी है। तो इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं बलि के मन में थोड़ा अहम भी जागृत हुआ, क्योंकि मद तो था ही, सम्राट तो है ही है, भारत के राजा है। तो बोले ब्राह्मण देव आपका कद छोटा है तो आपकी कहीं ना कहीं मांग भी बहुत छोटी है। बोले 3 पग होते क्या है और 3 पग में भूमि होगी कितनी, और आप ये नहीं जानते कि आप किसके पास मांगने के लिए आए। बोले कुछ बड़ा मांग लीजिए, आप कहें तो 10-15 गांव आपके नाम पर कर दूं, आप कहें तो खूब धन ऐश्वर्य आपको प्रदान करूं, आपका विवाह करवाऊं, आपका घर बसाऊं, जो आप कहें सो प्रदान करूं। वामन भगवान मुस्कुराए, बोले बलि इसकी आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितनी आवश्यकता मुझे है मैं उतना ही चाहता हूं, अधिक नहीं चाहता हूं। बोले नहीं, कम से कम आप ये देखिए किसके पास आए, कुछ बड़ा मांग लीजिए। बोले मुझे बड़े की इच्छा नहीं है, मुझे केवल 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। और जब 3 पग भूमि की बात शुक्राचार्य के कानों पड़ी तो मन में खलबली मची। बोले 3 पग भूमि का दान मांगने वाला कौन है ये, अब त्रिकालदर्शी तो है ये, अंतर्दृष्टि से देखा तो समझ गए। और बलि को निर्देश दिया, बलि सावधान, तुम्हारे दर पर आने वाला कोई मामूली याचक नहीं है, ये साक्षात वर्म आया है, छल होगा तुम्हारे साथ, छल होगा, ये मायापति है, माया इनके वश में है, ये जो जैसी चाहे सो माया चला दे, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए, मना कर दीजिए। अब वामन भगवान कहते हैं राजन आप बताइए, संकल्प कीजिए। तो महाराजा बलि संकल्प कर लेते हैं, बोले नहीं मैं संकल्प करता हूं, आप जो चाहेंगे सो दूंगा। गुरुदेव निर्देश देते हैं, बोले संकल्प छोड़ दीजिए। नहीं गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, मेरे दादा प्रहलाद शिरोमणि भक्त शिरोमणि ने मुझे यही सिखाया है, संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहिए, आप भी बार बार यही सिखाते हैं। लेकिन गुरुदेव बार बार मना करते हैं, बोले सामने वाला मामूली याचक नहीं है, साक्षात विष्णु ही होंगे ये। बलि मुस्कुराए, बोले गुरुदेव मान लीजिए मेरे दर पर कोई साधारण याचक आया है तो 3 पग भूमि होती कितनी है, और मान लीजिए वो सर्वेश्वर आया है, नारायण आए हैं, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि विश्व का विधाता सबको देने वाला आज खुद याचक बनकर मेरे दर पर खड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं संकल्प करता हूं आप जो चाहिए सो लीजिए, आपको 3 पग भूमि चाहिए, आप अपने चरणों से 3 पग भूमि का दान माप लीजिए। और उसी वक्त वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और देखते देखते इतने विशाल हो गए भगवान, इतने विशाल हो गए, और 1 पग से पूरी पृथ्वी माप ली, और दूसरे चरण से जितने लोक थे सब माप लिया, सब कुछ है भी उन्हीं का, सब कुछ ले लिया, अभी भी 3रा पग शेष है। बोले बलि तुम्हारा संकल्प अधूरा रह गया, तुमने 3 पग भूमि का दान देने का संकल्प किया था, अभी 2 पग में सब कुछ पूर्ण हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए जब तुम्हारा संकल्प अधूरा है तो वचन अधूरा रह गया, अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा प्रभु एक प्रश्न करूं। बोले कीजिए। बोले ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है, दान बड़ा है या देने वाला बड़ा है। प्रभु मुस्कुराए, बोले दान तो छोटी वस्तु है और देने वाला ही बड़ा होता है, दाता ही बड़ा है, दानी ही बड़ा है। तो हे गोविंद आपका मेरा संकल्प अधूरा नहीं रहा अभी। बोले क्यों। बोले 2 पग में आपने केवल मेरे द्वारा दिया गया दान मापा है, दानी आपके सामने है,
मैं सर झुकाकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, तीसरे चरण में मुझे अपना बना लीजिए। और तीसरे चरण में गोविंद अपने चरण को बलि के सर पर धारण करते हैं। किस लिए? बोले जिसने समर्पित कर दिया। सूरदास तो कहते हैं बोले गोविंद के वही चरण भक्त के उर में विस्थापित हो जाते, अवस्थित हो जाते, हृदय में अवस्थित हो जाते। बोले एक यही माध्यम है इस भव को पार करने का कि अपने उर में, अपने अंतर आत्मा में ठाकुर जी के श्री चरणों को बसा लीजिए। आप गाते हो ना, मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। थोड़ा मेरे साथ गुनगुनाते रहा करो, मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मना भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मना भूल मत जइयो श्यामा। महाराजा बलि समर्पित हो गए, गोविंद के हो गए। और जो एक बार प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त का मैं योगक्षेम बहम करता हूं। योगक्षेम बहम का अर्थ क्या है? योग माने जो वस्तु मेरे भक्त के पास नहीं है उस भक्त उस वस्तु को प्रदान करता हूं, और क्षेम माने जो प्रदान किया उसकी रक्षा भी खुद ही करता हूं। भक्त का संरक्षण मैं खुद करता हूं, पल पल उसके अंग संग रहता हूं। यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी महिमा है, भक्त को अकेले नहीं छोड़ते। आप कभी भी भक्तों का चरित्र सुनिए, आनंद लीजिए उसका, तो आप अनुभव करेंगे कि पल पल गोविंद उसका संरक्षण करते हैं, उसके अंग संग रहते हैं। इसलिए भक्तों ने भी बार बार प्रभु के चरणों की महिमा गाई है। राम चरण सुखदाई भजो रे, अपने चरणों की भक्ति का दान गोपाल हमें दे दो। अपने चरणों की भक्ति का दान भगवान हमें दे दो। जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो। भगवान हमें दे दो, घन श्याम हमें दे दो, भगवान हमें दे दो, घन श्याम हमें दे दो, मेरे राम हमें दे दो, घन श्याम हमें दे दो, मेरे राम जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो। जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो। मुझे तेरा सहारा है, कोई और सहारा नहीं, मुझे तेरा सहारा है, कोई और सहारा नहीं, बिन तेरे सारिया कोई और प्यारा नहीं, बिन जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो।
जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो मेरे राम हमें दे दो घनश्याम हमें दे दो मेरे राम हमें दे दो घनश्याम हमें दे दो मेरे राम हमें दे दो घनश्याम हमें दे दो मेरे राम हमें दे दो घनश्याम हमें दे दो जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो अपने चरणों की भक्ति का दान भगवान हमें दे दो अपने चरणों की भक्ति का दान मत्स्य रूप में प्रभु प्रकट हुए और फिर से महाप्रलय जब हुई महाप्रलय के बाद फिर से विश्व रचना हुई तो भगवान सप्तऋषियों को बचाते हैं मत्स्य रूप में और फिर मर्यादा सिखाने के लिए अवध की पावन धरा पर श्री नारायण राम रूप में प्रकट होते हैं गोस्वामी गाते हैं श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानोह तड़ित रुचि शुच नोमि जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंद सिर मुकट कुंडल तिलक चार उदारु अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कर दल श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
मर्यादा स्थापित करने के लिए राम कृष्ण एक रूप है, ध्यान दीजिए। राम ही कृष्ण हो गए। कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है और राम 12 कला संपूर्ण है। देखो वैसे कोई भेद नहीं है, राम सर्व कला संपूर्ण है, लेकिन कुछ कला गुप्त कर लेते हैं, जानबूझकर प्रकट नहीं करते हैं। अगर प्रकट कर दें तो फिर कृष्ण रूप की आवश्यकता नहीं है, फिर राम ही कृष्ण। लेकिन राम से कृष्ण बनने की जो यात्रा है, राम मर्यादित है। आप देखिए हर चीज की मर्यादा निभाएंगे, बात करनी है बड़ी मर्यादा में, ज्यादा बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। हंसना है तो वो मर्यादा में, बहुत ज्यादा खिल खिला के ऊंची ऊंची नहीं हंसते राम जी। केवल जीवन के दो ही प्रसंग ऐसे हैं राम जी के जीवन में जहां ठाकुर जी बहुत जोर जोर के हंसे हैं, वरना बस केवल मुस्कुराते रहते हैं, हंसते नहीं बहुत ज्यादा। वो भी मर्यादा में, बातचीत मर्यादा में, चलना मर्यादा के अंदर, और मिलते तो बहुत ही कम है, गले बहुत कम मिलते हैं। इतनी मर्यादा निभाई राम जी ने कि लोगों ने नाम ही रख दिया मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण कौन है? पुष्टि पुरुषोत्तम। पुष्टि पुरुषोत्तम क्यों? क्योंकि राम के जीवन में इतनी अधिक मर्यादा है, इतनी अधिक मर्यादा है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आवश्यकता से बहुत अधिक कोई भी चीज बढ़ जाए तो वो जीव को ही तंग करती है, दुख देती है। इतनी अधिक मर्यादा है राम जी के जीवन में कि राम खुद दुखी हो गए। मान लो हमारे घर के नियम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाए, बहुत ज्यादा ही अनुशासन हो जाए, बहुत ज्यादा ही मर्यादा हो जाए, वो मर्यादा भी जीव को दुखी करने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो राम को खुद वेदना हुई, किस लिए? क्योंकि ये रूप ऐसा है कि कई बार भक्तजन आते हैं, उनका इच्छा होती है कि गोविंद से गले मिले, भगवान से कुछ बातें करें, लेकिन बीच में मर्यादा आ जाती है, बहुत अधिक बात नहीं करना चाहते, बहुत अधिक मिलना नहीं चाहते। प्रभु को कष्ट होता है। प्रभु को कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि भक्तों को कष्ट हो रहा है, इसलिए राम विचार करते हैं, बोले अब कोई ऐसा रूप धारण करना है जहां कोई मर्यादा ना हो, जिसका मन करे, मेरे भक्त का मन करे मेरे करीब आए, मुझसे बात करे, हृदय की बात करे, जिसका मन हो मेरे संग आलिंगन करने का वो आलिंगन करे। तब राम कृष्ण हो गए। और ये जो चार कलाओं का भेद कहा जाता है, चार कलाओं का, देखो पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है इसलिए नहीं कि 16 कला। परिपूर्णता किस लिए है? आप कृष्ण के जीवन को देखिए, हर पहलू से देखिए। आप हमारे जीवन में सदा दो स्थितियां पैदा होती हैं, हमारे जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और हमें सुख अच्छा लगता है, दुख से हम सभी दौड़ते, किसी को दुख नहीं चाहिए, ना मुझे ना आपको, किसी को भी नहीं चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण करके पूछो कि दुख चाहिए, कोई नहीं कहेगा दुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए सब। हमारे जीवन में दोनों परिस्थितियां आती हैं, सुख भी दुख भी, और हम सुख को स्वीकार करते हैं और दुख से हम पीछा छुड़ाते हैं। हमारे जीवन में फूल भी खिलते हैं और कंटक भी आते हैं, और हम क्या करते हैं? केवल पुष्पों को चुनते हैं और कंटकों से हम दौड़ते हैं। कंटक नहीं चाहिए हमें, हमें पुष्प चाहिए। हमारे जीवन में अंधकार का वक्त भी आता है, प्रकाश का वक्त भी आता है। हमें वो चाहिए जो हमें ज्यादा हमारे अनुकूल है, हमारे मुताबिक है, हमें उस चीज से प्रयोजन है। और जो चीज हमारे अनुकूल नहीं है हम उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हमारे जीवन में युद्ध का अवसर भी है और शांति का अवसर भी है, हमने वो चुना जो हमें चाहिए। बस हमने उन दो परिस्थितियों में सदा एक को चुना है, और वो भी एक कौन सी? जो हमारे अनुकूल है। प्रतिकूल को कोई नहीं चुनता, आप भी हो मैं भी हूं, हम अपना विश्लेषण करें, हमें अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, हमारे मुताबिक चाहिए, हमें प्रतिकूल नहीं चाहिए, इसलिए हम केवल साधारण जीव बन के रह जाते हैं। कृष्ण के जीवन को देखिए, हर पहलू से देखिए, कृष्ण के जीवन में सुख भी आ रहा है, कृष्ण के जीवन में दुख भी आ रहा है, और जितने आनंद से कृष्ण सुख का अभिनंदन करेंगे उतने ही आनंद से मुस्कुराकर कृष्ण दुख को भी स्वीकार कर लेंगे, उतने आनंद से। कृष्ण के जीवन में फूल को चुनने का वक्त भी है और कंटक भी सामने है। अगर वो फूलों को चुनने का समर्थता रखते हैं तो कृष्ण कंटकों को भी निकालने का प्रयत्न रखते हैं, वो समर्थता भी कृष्ण में है। अगर गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करनी है तब भी कृष्ण जाएंगे, और अगर अगासुर बकासुर का वध करने का वक्त है तो वो भी करेंगे। अगर यमुना के तट पर वंशीवट की छैया में कदंब की डार के नीचे
समस्त रमणियों के संग में महारास की क्रीड़ा करनी है तब भी भगवान रास में सम्मिलित हो जाएंगे। और अगर महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर गीता का ज्ञान देना है तो भी भगवान हटेंगे नहीं। बड़े बड़े योद्धाओं के संग युद्ध करना है तो भी करेंगे, अंधकार है तो उसे भी चुनेंगे, प्रकाश है तो उसे भी स्वीकार करेंगे। युद्ध है तब भी कृष्ण खड़े होंगे, भागेंगे नहीं वहां से, वो ये नहीं कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। अगर शांति स्थापित करनी है तो भी कृष्ण खड़े हैं। माने जीवन जैसा मिला है, जिस प्रकार से मिला है कृष्ण को, वो समग्र जीवन को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण परिपूर्ण है, इसलिए वो परब्रह्म परिपूर्ण है, क्योंकि वो दौड़ता नहीं है, वो किसी भी अवस्था से भागता नहीं है, वो हर अवस्था को बड़े आनंद से, और देखो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार भी हम लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। मान लो जीवन में दुख आया, हमें भी स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार है नहीं करना पड़ता है, दोनों में भेद है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, सहज स्वीकार कर लेते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट वही है, चेहरे का आनंद वही है, वो कम नहीं होगा, वो अभिनंदन करेंगे। इसलिए कृष्ण परिपूर्ण है। और जो चार कलाओं का भेद कहा जाता है वो कौन सी है, राम और कृष्ण में जो चार कलाओं का भेद कहा जाता है, सबसे पहले खाना, आप थोड़ा अंतर देखना, खाना, दूसरी खेलना, तीसरी गाना और चौथी नृत्य करना। अब इन चारों कलाओं को दोनों के जीवन के साथ मिला के देखिए, राम भी और कृष्ण के साथ भी। आप देखो राम जी के जीवन में खाना बहुत कम है, खाया बहुत कम है। पहले गुरुकुल में रहे तो गुरुकुल का तो वैसे नियम है, भोजन एक ही वक्त में किया जाता है, बहुत करड़े नियम है वो किए। फिर विवाह हो गया, विवाह के बाद थोड़ा बहुत किया होगा राम जी ने खाना पीना। चलो 12 साल अयोध्या में रहे तो खूब आनंद बरसा हुआ। फिर 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब वनवास में जो कंद मूल फल मिल जाए सो ठाकुर जी खाते हैं। वनवास से वापिस आए तो जानकी जी चली गई, तो फिर क्या राम जी ने खाया जीवन भर? आप नोट कीजिए, राम जी ने खाया बहुत कम है। और कन्हैया अपने घर में मिले सो मिले, नहीं तो गोपिकाओं के घर में चोरी करके खाएगा, खूब खाएगा। हम कल भी बात कर रहे थे, कन्हैया को भूख बहुत लगती है, बर्दाश्त नहीं है। ठाकुर जी 3 बार भोजन नहीं करते, बालभोग राजभोग शयन भोग, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार नहीं करते, 10-12 बार करते हैं। बड़ी भूख लगती है, मेरी तरह भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ चाहिए, हर 2 घंटे बाद कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो उनको भी चाहिए, खूब खाया कन्हैया ने, खूब खाया, राम जी ने कम खाया, बहुत कम खाया। दूसरी कला क्या है, खेलना। अब देखो राम जी के जीवन में खेल कैसा है, बचपन में खेले बस, राम जी खेले लेकिन बचपन तक सीमित रहा, भरत के साथ शत्रुघ्न लक्ष्मण कुछ अयोध्या वासी मिलकर खूब खेलते थे, गेंद का खेल बहुत खेलते हैं राम जी। लेकिन राम जी का खेल बस यहीं तक रहा, उसके बाद तो फिर बिल्कुल सामाजिक अवस्था राम जी की, अगर जीवन भर देखो तो राम जी के जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और कन्हैया ये सरकार तो आते ही खेल शुरू कर दिया, आते ही ऐसी माया डाली, खेल खेल में ही मथुरा से पहुंच जाएंगे गोकुल में, खेल खेल में बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देंगे, खेल खेल में इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया, व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता इतना बड़ा युद्ध महाभारत का करवा दिया। सब खेल ही तो है उनका, संपूर्ण सृष्टि उनका खेल है। तीसरी कला गाना। आपने सुना राम जी गाते हैं, कभी सुना राम जी ने गाया? नहीं, गाते हैं राम जी। हर प्रकार की विद्या राम जी ने ली है, गुरुकुल में हर विद्या दी जाती थी, जैसे आजकल हम एजुकेशन देते हैं, हर प्रकार की स्टडी, मैथमेटिक्स की, साइंस की, इकोनॉमिक्स की, संगीत विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, सब प्रकार की विद्याएं दी जाती थी। तो उस विद्या में एक विद्या संगीत भी है, और राम जी वीणा बहुत सुंदर बजाते हैं, और खासकर जब गुरुकुल के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व होता है तो गुरुदेव यही कहते, राम आज तुम सुनाओ कुछ, राम सुनाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं राम जी, बहुत सुंदर, वीणा बड़ी सुंदर बजाते हैं, लक्ष्मण जी मृदंग बड़ी सुंदर बजाते हैं, सब सीखे हुए संगीत। लेकिन विडंबना यह है कि राम जी का संगीत केवल गुरुकुल तक रहा, गुरुकुल के बाद आप कभी देखिए जब राम वापस आए हैं अयोध्या में, विवाह हो गया, उसके बाद कहीं भी आप देखेंगे तो राम जी को गीत गाते नहीं सुनेंगे आप,
कहीं आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि राम पूरे जीवन में कहीं गीत गा रहे हैं, गुरुकुल में नजर आएगा, गुरुदेव के सन्मुख बैठकर खूब रिझाएंगे, खूब गाएंगे। उसके बाद ये प्रकरण शायद नहीं रहा, शायद। बाकी पता नहीं, देखो इतना गुप्त तो कोई नहीं जानता, कई बार पर्सनल लाइफ होती है। अब उनकी अपनी लाइफ है, उसमें कहीं वन में जंगल में बैठे हैं तो गाते होंगे, हो सकता है। क्योंकि इतनी करीब तो बहुत पहुंचना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी बाहर नहीं आती। हम अपनी लाइफ भी लें, अपना जीवन भी लें, तो हमारे जीवन के बारे में बहुत व्यक्ति बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी रह जाती हैं जो कोई नहीं जानता, जिसको हम ही जानते हैं। और ऐसा भी है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जिसको हम भी भूल जाते हैं। इसलिए राम जी के जीवन का संगीत, राम जी के जीवन का गीत केवल गुरुकुल तक ही सीमित रहा, गुरुकुल के बाद नहीं आ रहा, वहीं तक सीमित रहा। उसके बाद आप नहीं देखेंगे, वन की यात्रा है, नहीं देखेंगे, उसके आगे चलिए नहीं पाएंगे वहां। और अब कृष्ण की जिंदगी पर आइए, कन्हैया की जीवन पर आइए, क्या संगीत, क्या मधुर संगीत उठता है। यमुना के तट पर किन किन मुद्राओं में अलग अलग बैठकर भगवान क्या क्या गीत गा रहे हैं, किन किन राग रागनियों में गा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसका पूरा वर्णन है कि कन्हैया किस किस राग में, किस किस मुद्रा में, कौन कौन सा राग छेड़ रहे हैं, कौन कौन सी रागनियां छेड़ रहे हैं, और खूब गीत गाया। कितने गीत भागवत में जिक्र है, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपिका गीत, प्रणय गीत, और रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान का जो गीता का उपदेश कहा गया है वो भी तो ठाकुर जी का गीत ही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु तस्महा, वो क्या है, वो गीत ही तो है ठाकुर जी का जो गा रहे हैं, दिव्यतम ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं। खूब सबने गाया। और चौथी कला कौन सी, नृत्य, बड़ी महत्वपूर्ण कला। कभी सुना आपने कि राम जी नाचे हो, मेरे प्रसंग में तो नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव, नहीं नाचे, कभी नहीं नाचे मेरे ख्याल में तो, जहां तक मेरा अनुभव है। और आपका अनुभव भी ये कह रहा होगा राम जी नाचे नहीं, ये कला तो ठाकुर जी ने गुप्त करके रखी हुई है। हाँ कभी कोई मूड बना हो, अकेले में कमरे में बैठ के नाचनी हो, कोई ना देखे, कई व्यक्ति बड़े शर्मीले, राम जी वैसे भी शर्मीले हैं, बहुत ज्यादा शर्मीले। अब कई लोग होते हैं ना, उनका मन तो करता है थोड़ा झूम लूं, थोड़ा नाच लूं, लेकिन थोड़ी शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, मुझे जहां तक लगता है, खुले में ना नाचते हो और बंद कमरे में तो कभी कभी एक आधी बार तो नाच ही लेंगे होंगे। तो राम जी भी ऐसा कुछ कर लिया, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन राम जी ने ये कला गुप्त रखी है, नृत्य, नृत्य। अच्छा एक ये भी ध्यान दीजिएगा कि नाच में नृत्य में अंतर होता है, नाचना शरीर का है, नृत्य अंतर आत्मा का होता है। जब तक आपको होश बनी हुई है, आप होश में हैं, होश में कुछ क्रिया कर रहे हैं, तब तक वो आपका नाच है। और जब आप मदहोश हो गए, मदहोशी में जो हो रहा है वो आपका नृत्य है। लेकिन कृष्ण के जीवन में देखिए, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। कृष्ण के जीवन का नृत्य कैसा है, खूब नाचे। और गोपिकाएं क्या कहती हैं, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, अब तो तुम्हें हम नचाया करेंगी। और क्या खूब नाचते, वो अखिल विश्व का विधाता गोपिकाओं की छाछ के लिए, माखन के लोंदे के लिए क्या ठुमक ठुमक कर ताता थैया नाचता है। वो कालिया के फन पर खड़े हो गए, उसका दमन किया, और क्या फन पर नृत्य कर रहे हैं, सकल विश्व को नचा रहे हैं। तुम्हीं नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, अब तो तुम्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ये देखो, ये दो खेल बहुत जरूरी हैं, दो कलाएं ये बहुत आवश्यक हैं, एक गाना और एक नृत्य। और कृष्ण यही दे रहे हैं, जीवन जैसा मिला कृष्ण को, समग्र जीवन को बिल्कुल वैसा ही स्वीकार किया, कहीं दौड़े नहीं कृष्ण, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब गा रहे हैं और खूब नाच रहे हैं।
बोले ये दो कला बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में ये दो कला नहीं है तो सोच लीजिएगा आप जीवन जी नहीं रहे हैं, केवल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन को व्यतीत करना और जीवन को जीना दोनों में बहुत गहरा अंतर होता है, इसलिए ये दो कला छुपनी नहीं चाहिए। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, बोले एक संगीत आपके भीतर उठता है, आप देखो पूरी प्रकृति गीत गा रही है, पूरी प्रकृति में संगीत आपको सुनाई देगा। ये समुद्र की लहरों का दर्शन करना एक संगीत सुनाई देगा, नदियों के करीब बैठना आपको संगीत सुनाई देगा, पक्षियों की चहचहाट में संगीत सुनाई देगा, पूरी प्रकृति में आपको एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देगी, और यहाँ तक कि आपके भीतर बड़ी गहराई में एक मधुर संगीत गूंजता है, हर वक्त गूंजता है। बस एक सुनने की बात है, कोई मुर्शिद आए, कोई नजर दे, ऐसी दृष्टि दे दे, वो संगीत सुन जाए, वो संगीत दिख जाए, बोले वो छूटना नहीं चाहिए। और जिसके जीवन में संगीत और ये नृत्य खत्म हो गया, समझ लीजिएगा वो अब जी नहीं रहा। इसलिए फिर कहूं, कभी कभी करके देखना, हमारे समस्त ध्यान में, मेडिटेशन में एक प्रोसेस है, नटराज ध्यान। नटराज किसे बोलते हैं? महादेव को, क्योंकि महादेव की एक मुद्रा है, आप सभी जानते हैं कि स्वरूप है नटराज का। किस लिए? नृत्य कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। बोले ये एक ऐसी अद्भुत कला है नटराज ध्यान। कभी मान लो आप बहुत ज्यादा बेचैन है, समझिएगा बात को, बहुत बेचैन है, बड़ा कष्ट है, बड़ा बोझ है मन पर, किसी कारण से बहुत अधिक टेंशन आपके मन पर है, एक काम करना, अपने एक बंद कमरे में जाना, कैसेट चला लेना, लेकिन पॉप म्यूजिक नहीं चलाना, ये भी ध्यान रखना, वरना खलबली मच जाएगी। एक बंद कमरे में जाना, थोड़ा संगीत सुनना, मधुर संगीत सुनना, मीरा की तरह 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट खूब नाच लेना, अच्छी तरह से नाच लेना, इतना नाच लेना कि शरीर थक जाए, करके देखिएगा कभी, खूब नाच लेना और खूब थक जाना 20 मिनट से लेकर 30 मिनट। और जब थक जाओ उसके बाद क्या करोगे? बैठ जाओ बस। देखो एक बात मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ा ध्यान का प्रकरण है नटराज ध्यान। आप लोग कई बार सत्संग जाते हैं, खूब नाच भी लेते हैं, अच्छी बात है आप नाचते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नाचने के बाद क्या करना है। ये तो सबको पता है कि अगर संगीत हो कुछ हो तो नाच लिया जाए, लेकिन नाचने के बाद क्या है ये किसी को नहीं पता। और आप जानते हैं नाचने के बाद ही आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। आप नाच लिए, करके देखिएगा घर के अंदर एक कमरे में खूब नाचना, खूब थक जाना, थोड़ा सा आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट जितना आपसे हो सके, उसके बाद बैठ जाइए बस आंखें बंद करके। आंखें नहीं खोलनी, भूल कर भी बिल्कुल भी नहीं खोलनी, आप केवल बैठ जाइएगा आंखें बंद करके, और आपके भीतर उठने वाली उस ऊर्जा को आप केवल महसूस कीजिए कि कितनी अधिक ऊर्जा का विकास आपके भीतर हो रहा है। आपने केवल उस ऊर्जा को महसूस करना है, बहुत गहरी ऊर्जा आपके अंदर उठती है, और नीचे से ऊपर की ओर महसूस करना है, कभी ऊपर से नीचे की ओर महसूस मत करना। हमेशा जब भी ऊर्जा का स्तर, आपने सुना चक्रों की बात, तो चक्रों में ऊर्जा कैसे उठती है? नीचे से ऊपर की ओर उठेगी। कई लोग ध्यान में उल्टा कर लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे का अर्थ है आपके मन में दुराचारिता पैदा हो जाना, आपके मन में संसार की कामनाएं पैदा हो जाना, और ऊपर उठने का अर्थ है कि अब आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, अब आपकी ऊर्जा का विकास हो रहा है, अब आप थोड़ी चेतना की ओर जागृत हो रहे हैं, अब आप शरीर से उठकर मन से होते हुए अब अंतर आत्मा की यात्रा कर रहे हैं, बड़ी गहरी। जैसे जैसे ऊर्जा उठेगी, थोड़ा नाचने के बाद बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, और आंख भूलकर भी नहीं खोलनी, बस भूलकर भी नहीं खोलनी, 10 मिनट बैठे रहिए, केवल और केवल उस 10 मिनट में अंदर उठने वाली उस ऊर्जा को बड़ी गहराई से महसूस कीजिए। आप नोट करेंगे आपके पाम से लेकर कैसे कैसे एक एक चक्कर में ऊर्जा उठती चली जाएगी, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। पूरे 10 मिनट आपने उस ऊर्जा को देखना है, और गहरी श्वास, बहुत गहरी श्वास भरते रहिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद 10 मिनट के बाद बिल्कुल लेट जाइए, विश्राम करो,
अब रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, 10 मिनट लेटे रहो, 10 मिनट लेटे रहो, 10 मिनट लेटे रहो, और 10 मिनट जब आप लेटे हुए हैं आप महसूस करो आपके पाम से लेकर सर तक कैसे एक एक आपके अंग में वो ऊर्जा बढ़ रही है, जा रही है, एक एक अंग में, पाम में, आपके घुटनों में, आपकी कमर में, आपके नाभि स्थल पर, आपके वक्ष स्थल में, आपके हाथ में, आपके कंधे पर, फिर इस ओर, फिर इस छोर पर, फिर कंठिका में, फिर मुख पर, फिर सर पर, फिर पूरे शरीर में उस ऊर्जा का विकास हो रहा है। 10 मिनट के लिए बिल्कुल विश्राम कर लो, एकदम रिलैक्स, और उसके बाद उठिए, 3 बार हाथों को रगड़िए, मलिए, आंखें खोलिए, और जैसे आप आंख खोलेंगे आप एक नए संसार में होंगे, एकदम विश्रांति मन पालेगा। इसलिए बता रहा हूं कि ये आप कर सकते हैं, और कोई भी ध्यान का प्रकरण मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो हमेशा प्रशिक्षण में ही करना चाहिए, लेकिन इसको किया जा सकता है क्योंकि ये सब करते हैं, नाचते सभी हैं, लेकिन विडंबना ये है कि नाच नाच ही रह जाता है, नाच नृत्य नहीं बन पाता, और ये कला है कि आपको नटराज बनाने की, आपके नाच को नृत्य करने की। हमने कथा में टोटल रोक लगाई हुई है, किस लिए? बोले बिना अर्थ के आप मत खड़े होना, हाँ आप मदहोश हो जाओ, कुछ भी करो, कोई प्रयोजन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको होश नहीं है, आप चिल्लाइए, आप रोइए, आप नाचिए, आप गाइए, क्योंकि क्योंकि जो कला है, जो सबसे बड़ा संस्कृति दे रही है, भारत बहुत अनमोल सनातन यात्रा है, जहाँ खजाने भरे पड़े हैं, जहाँ संत महात्मा आते हैं और अपने भीतर से उठने वाले उस परम ज्ञान को आपको देकर चले जाते हैं। आप करके देखिए, आप बैठिए, कभी एक भी चिंता आपके मन पर नहीं रहेगी, कितना भी आपके मन पर बोझ हो वो चला जाएगा, मन एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आप अवस्था कैसी भी क्यों ना हो आप एकदम आनंदित हो जाएंगे। और मान लो आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत पहले ही आनंद में हैं, तो जैसे ही करेंगे आपका आनंद उतने गुना अधिक बढ़ जाएगा। और यही नहीं, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा ना, आप ध्यान दीजिए, आपकी आर्थिक अवस्था भी बढ़ेगी, विकास हो जाएगा, आपकी सामाजिक अवस्था का विकास भी होगा, आपके आध्यात्मिक पक्ष का विकास भी होगा। महादेव यूं ही नटराज नहीं कहलाते, कृष्ण यूं ही नृत्य नहीं कर रहे हैं, ये अनंत अनंत जन्मों की बिछड़ी हुई चेरियां, ये गोपिकाएं यूं ही यमुना के तट पर जाकर कृष्ण के साथ ये रमणियां यूं नृत्य नहीं कर रही हैं, वो परम ध्यान है, परम ध्यान है। लेकिन थोड़ा सा बस सलीका चाहिए, थोड़ा तरीका चाहिए। जब भी कभी नाच लो, मान लो यहीं पर हो, उत्सव मनाएंगे हम लोग, अब उत्सव का समय है, वो गोविंद आएंगे तो वहां, वैसे तो हर रोज ही उत्सव है हमारा, है ना, हर वक्त उत्सव है, लेकिन जब आप उत्सव करें और मान लो आपका भाव उठे, आप नाच लें, आप गा लें, तो जब बैठो बिल्कुल शांति से बैठ जाना, बस करके देखना। हाँ, लेटना मत, इतनी जगह हमारे पास नहीं है, बैठे बैठे कर लेना, क्योंकि इतनी जगह तो हमारे पास नहीं है लेटाने वाली, वह 10 मिनट बैठ जाना शांति से, फिर थोड़ी थोड़ी आंखें खोल लेना, आप तब भी रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन जब कभी प्रशिक्षण में आओ, कभी मेडिटेशन कैंप हो, या आप घर में आप कर रहे हो, तो विश्राम जरूरी है, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा को विकास देगा। इसलिए भक्तपूर्ण कलाएं हैं जो राम जी ने गुप्त कर ली, कृष्ण ने प्रकट कर दी, जबकि कोई भेद नहीं है। अरे कौन शाम खोजे तू ए बाबरिया, एक शाम दशरथ के ललना, एक शाम दशरथ के ललना, और एक बने कृष्ण कन्हैया। अरे कौन शाम खोजे तू ए बाबरिया, अरे कौन शाम खोजे तू, एक शाम संग जानकी विराजे, एक एक शाम संग जानकी विराजे, एक शाम संग और एक राधा के कन्हैया,
अरे कौन श्याम खोजे तू हे बावरिया, अरे कौन श्याम खोजे तू, मिलके गाओ, अरे कौन श्याम खोजे तू, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन अभी तो अवध में है, मर्यादा करो। देखो जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होगी तब तक कृष्ण समझ नहीं आएंगे। कृष्ण को परिपूर्ण समझने के लिए जीवन मर्यादित चाहिए। आप थोड़ा संकेत समझिएगा, भागवत में पहले राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, माने पहले मर्यादा आई है फिर पुष्टि पुरुषोत्तम आए। जब आप कृष्ण चरित्र को देखेंगे, कृष्ण लीला को अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा कृष्ण मर्यादित नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कृष्ण मर्यादा में नहीं है। लेकिन जब आप श्री कृष्ण की परम गहराई में उतरेंगे तब आप इस बात को सूक्ष्म अनुभव करेंगे कि कृष्ण परम मर्यादित है, परम मर्यादित है। 16108 रानियों के साथ विहार करने के बाद भी श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड बाल ब्रह्मचारी। इतना बड़ा द्वारिका का वो प्रकरण, वो केवल कृष्ण की भगवत सृष्टि है। अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण और फिर लय कर देते हैं। जबकि ध्यान दीजिए, मैंने पहले का प्रथम दिवस कहा, एक पल के लिए भी ठाकुर जी वृंदावन का प्रत्याग नहीं करते, एक पल के लिए भी नहीं करते। फिर जो मथुरा में गए और द्वारिका में गए वो केवल भगवत रूप है, क्योंकि मथुरा भगवान की लीला है, द्वारिका भगवान की लीला है, और वृंदावन में हमारे ठाकुर जी भगवान तो है ही नहीं, वहां तो भगवान है ही नहीं। गोपिकाओं के सामने, ग्वाल बालों के सामने श्री कृष्ण अपने भगवान पने को उतार कर फेंक देते हैं। यहां तो वृंदावन में गोपिकाओं के सामने तो ठाकुर जी परम रसिया हैं, परम प्रियतम हैं। और फिर हमारी यात्रा किससे मिलने की है, गुरु महाराज फरमा रहे हैं, बोले जीव रूपी प्रियसी परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलन करेगी, परमात्मा से नहीं, परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन करेगी। और प्रियतम वृंदावन में है, परमात्मा मथुरा में, परमात्मा द्वारिका में है। और ये मिलन का प्रसंग जो है, ये गोपिकाओं का परम प्रीतम से मिलन है, परमात्मा से मिलन नहीं है। तभी तो गोपिकाएं कहती हैं, तभी तो रसिक जन कहते हैं, बोले वृंदावन की धरा वो धरा है जहां प्रेम का रस संचारित होता है। कहीं बैठ जाइए जाकर, बैठी रहो कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन के कोने, और श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे। गालियां करो थोड़ा सा, हाथ तो बाहर निकाल लो, अच्छी तरह से गालो, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, और श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे चरणन की रज। समस्त रसिकों की जो गुरु है वो राधा रानी जी है। बलिहारी है बलिहारी रे तेहारी गुरु, बलिहारी बलिहारी रे तेहारी गुरु, बलिहारी रे तेहारी गुरु, बलिहारी बलिहारी रे तेहारी गुरु, बलिहारी। ओतो पे तन मन धन प्राणन वारी, तो पे
ओ तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन बलिहारी है बलिहारी है तिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी ओ तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन ओ तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी ओ तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन ओ तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन बलिहारी है बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी ओ बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी।
तो पे तन मन धन प्राण नवारी तो पे तन मन धन ओ बलिहारी है बलिहारी है ते हारी गुरु बलिहारी बलिहारी बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आप थोड़ा लाइन में हो जाइए टेढ़ा मेढ़ा मत बैठो। बलिहारी है तिहारी गुरु ये इधर हो जाइए कोई चक्कर नहीं थोड़ा थोड़ा हो जाइए। तो पे तन मन धन प्राणन वारी तो पे तन मन धन ओ तो पे तन मन धन प्राणन वारी तो पे तन मन धन प्राणन वारी बलिहारी है बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। राम जैसी मर्यादा जीवन में है तब कृष्ण चरित्र समझ आता है। कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है इसलिए नवम स्कंद में पहले राम जी की बात की गई है बहुत संक्षिप्त रूपों में कैसे गोविंद मर्यादा निभाते हैं अवध में अवतरण हुआ और फिर गुरुकुल में प्रभु का जाना गुरुदेव के सन्निधि में रहना। देखो जो आए हैं सबको पढ़ाने उनको कौन पढ़ाए जो आए हैं सबको सिखाने उनको कौन सिखाए। अनंत अनंत वेद शास्त्र सब वाणियां भगवान से प्रकट होती हैं लेकिन फिर प्रभु आते हैं किस लिए गुरुकुल में जाते हैं सदगुरु की महिमा खुद भगवान उजागर करते हैं। 15 वर्ष की आयु तक राम जी गुरुदेव के सन्निधि में रहे एक साधारण मानव की तरह वनों में जाना लकड़ियां चुनकर लेकर आना समीदा चुनकर लेकर आना गुरुदेव की सेवा करना गुरुदेव से सम्मत परम ज्ञान की प्राप्ति करना और फिर जब रात्रि का वक्त होना तो राम जी बड़े भाव से गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। 15 वर्ष की आयु में फिर राघव वापस आए हैं। ये प्रसंग मैं बिल्कुल संक्षिप्त करूंगा क्योंकि सुखदेव जी भी संक्षिप्त कर रहे हैं समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। मुझे इंतजार था कि गुरु महाराज जी आए तो श्री कृष्ण प्रकट हों और प्रभु इंतजार कर रहे हैं और हमने वैसे भी बड़ी इंतजार करवाई है एक दिन की। आना तो वो पहले चाहते थे पर कहीं वो ठाकुर जी कहते हैं ना अहम भक्त पराधीन मैं भक्तों के अधीन हूँ जैसा भक्त चाहते हैं सो मैं करता हूँ। अब भक्त जब चाहेंगे पुकारेंगे तो प्रभु आ जाएंगे। गीता में भले कृष्ण कहते हो यदा यदा ही धर्मस्य लेकिन भागवत का कन्हैया ये नहीं कहता। देखो वेद जिस ब्रह्म की बात करता है उसे पाना सहज नहीं है क्योंकि वेद के बड़े नियम है आप उस मुताबिक चलेंगे तो लगता नहीं कि वहां तक पहुंच पाएंगे लेकिन भागवत जिस ब्रह्म की बात करता है उसे पाना बड़ा सहज है। इस ब्रह्म का अधिकारी हर कोई है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक में दूसरो नहीं जो तीन छोरते टेढ़ो दिखे जिसकी गर्दन भी टेढ़ी जिसकी कमर भी टेढ़ी जिसकी टांग भी टेढ़ी जिसके लक्षण भी टेढ़े। राम कब आए नवमी के दिन आए और कृष्ण कब आए अष्टमी की तिथि को आए। अब देखो नवम जो अंक है वो बिल्कुल सहज है बिल्कुल सहज कहीं से पकड़िए नौ को तो वो सहज ही मिलेगा पर नाम नौ ही आएगा। आप नौ का पहाड़ा देखो आता है कि नहीं चलो चेक कर लो 9 एकम 9 दुनी 18 को जोड़ो ऊंची बोलो 1 और 8 9 ऊंची बोलो आता है ना 9 दुनी 18 18 को जोड़ो 1 और 8 9 9 3 27 2 और 7 9 4 36 3 और 6 9 5 45 4 और 5 9 9 6 4 5 और 4 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 और 2
नो नाम नाम क्यासी आठ और एक नौ नौ दाया नब्बे नौ और जीरो नौ कहीं से लो परिणाम जो भी आएगा नौ ही आएगा बिल्कुल सहज है बिल्कुल सीधा है इसलिए राम जी बड़े सहज हैं बड़े भोले भाले से मासूम है और कन्हैया कब आए अष्टमी तिथि को आठ देखो कहीं से भी सीधा नहीं है है कहीं से सीधा नहीं तभी तो गोपिकाएं कहती हैं मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा इस बांके का सब कुछ बांका इस बांके का सब कुछ बांका मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा मैं तो बांके की बांकी छलिया की रसिया की सजना की सैया की छलिया की रसिया की सजना की सैया की छलिया की रसिया की सजना की सैया की छलिया की रसिया की सजना की सैया मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा इस बांके का सब कुछ बांका 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 मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गयो मेरा मैं तो बांके की बांकी बन गई राम सहज है और राम का अर्थ क्या होता है राम माने जिसमें आपका मन रम जाए जो नाम जपते जपते केवल ऐतिहासिक राम के साथ तुलना मत कीजिएगा केवल ये नहीं कि जो धनुष धारण कर रहे हैं वही राम है राम का मूल अर्थ क्या है राम माने जिसको जपते 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 मन रम जाए मन एक हो जाए जिसके साथ या जो नाम आपके अंतरात्मा में रम जाए घुल मिल जाए एक आप रूप हो जाए उसके साथ वो राम है। अब मीरा के राम कौन है जब मीरा ये कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तो वो राम किसे कह रही है मीरा के राम कौन है मीरा के राम कृष्ण है। अब जिस नाम में आपका मन रम जाए वो आपके राम हो गए जो भी नाम आपको अच्छा लगे जो नाम आपके जुड़ रहा है जो नाम आपके अंतर में चल रहा है जो गुरुदेव दीक्षा में आपको जो नाम दे दे वो नाम क्या है जब हम महामंत्र जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखो मूल में ये मंत्र क्या है वेद का मंत्र ये क्या है हरे राम पहले राम है राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मूल में मंत्र ये है वैदिक मंत्र ये है लेकिन वैदिक मंत्र के नियम है उसमें आपको शुद्धि का विचार करना है प्रत्येक चीज का विचार करना है तब चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को थोड़ा बदलते हैं गौर महाप्रभु ने बदला किस लिए बोले वैदिक नियमों की पालना करते हो जब आप मंत्र को जपेंगे तो आपको परम फल की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन अशुद्धि होगी वैदिक नियमों का आप उल्लंघन करेंगे उच्च स्वर से वैदिक नियमों के मुताबिक किसी वैदिक मंत्र को आप उच्च स्वर से नहीं स्मरण कर सकते तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब राधा कृष्ण इस विलगित रूप में आए
चैतन्य प्रभु के रूप में आए, गौर प्रभु के रूप में आए, तो महाप्रभु आदेश देते हैं, बोले बोले वैदिक मंत्र के मुताबिक नहीं, हर किसी को अधिकार नहीं वैदिक मंत्र को जपने का, पात्रता देखकर वो मंत्र जपा जाता है, गुरुदेव भी पात्रता देखकर वैसा मंत्र प्रदान करते हैं, बोले इसलिए उन्होंने जपा हरे कृष्ण पहले हरे राम बाद में, क्यों कृष्ण पहले कहने से अब ये मंत्र के साथ साथ महासंकीर्तन हो जाएगा, जिसको जपने का अधिकार हर जीव को है, बोले आप किसी अवस्था में हैं, आप शुद्ध तन से हैं या अशुद्ध तन से हैं, जैसे भी आपकी मन की प्रकृति है, जब आप कृष्ण उच्चारण करेंगे तो कृष्ण उच्चारण करना ही आपके अंतःकरण को शुद्ध करता चला जाएगा, वो महासंकीर्तन हो जाएगा, और महाप्रभु का जो प्रगट्य है इस धरा पर वो संकीर्तन के रूप में है, संकीर्तन को उजागर करने के लिए श्री राधा कृष्ण गुरु रूप में प्रकट होते हैं, उस रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर एक मूल अर्थ इसके बहुत सारे महामंत्र के एक भाव में बड़ा सुंदर अर्थ है संतों का रसिकाचार्यों का कि हरा किसे बोलते हैं, हरा बोलते हैं राधा रानी जी को, क्योंकि वो अपने चित्त से अपनी माधुरी से अपनी अदाओं से श्री कुंज बिहारी जी के मन को हर लेती हैं, उनको आकर्षण कर लेती हैं, इसलिए राधा रानी को क्या कहते हैं हरा, लेकिन जब संबोधन करते हैं तो हरा नहीं बोलते हरे बोलते हैं, तो माने हरे शब्द श्री किशोरी जी को सूचित कर रहा है, और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या करते हैं, बोले कृष माने जो आकर्षित करता है अपनी अदाओं से अपनी माधुरी से अपने रूप लावण्य से अपने नैनाभिराम स्वरूप से अपनी चितवन से अपने अधरण के स्मित स्मित हास्य से अपनी अलकन से अपनी पलकन से अपने चरणों से अपने वेणु के सुमधुर वादन से जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं, इसलिए वो कृष है, इसलिए वो कृष है। और अणा का अर्थ क्या है, केवल आकर्षण नहीं कर रहे हैं आनंद भी प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण है। जब आप कृष्ण उच्चारण करते हैं तो रसिकाचार्य कहते बोले अपने मन के भाव को कैसे लगाइए, बोले हे प्रभु मेरा मन बार बार संसार की ओर आकर्षित होता है, मेरा मन बार बार संसार की ओर भागता है, संसार की तुच्छ कामनाएं संसार की अभिलाषाएं बार बार मेरे मन को ग्रसित करती रहती हैं, मैं कितना प्रयास करूं ये मन आपकी तरफ मुड़ता नहीं है, और मुड़ता भी नहीं है, मन स्वभाव तो दुष्ट है, मन का स्वभाव ऐसा है, अनंत जन्म बीत गए हैं मुझे संसार का भोग करते करते, इस मन को संसार की सहज आदत पड़ गई है, संसार का स्वाद लग गया है मन को, इसलिए मन आपकी ओर जाता नहीं है। और जब आप कृष्ण शब्द उच्चारण करते हैं तो एक भाव मन में प्रकट होता है, हे गोविंद हे ठाकुर जी हे वृंदावन बिहारी, मेरा मन जो बार बार संसार की ओर आकर्षित होता है, आप कुछ ऐसा कृपा कर दीजिए ये मन आपकी ओर आकर्षित हो जाए, क्योंकि आप सकल विश्व को अनंत अनंत ब्रह्मांड को अपनी माधुरी से आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए आप कृष्ण हैं। और अणा का अर्थ क्या है, देखो संसार भी आकर्षित करता है कृष्ण भी आकर्षित करते हैं, क्यों बनाने वाले कृष्ण है, जब वो इतने सुंदर है आकर्षित करेंगे तो भगवान का संसार भी आकर्षित करेगा, लेकिन दोनों के आकर्षण में एक बड़ा गहरा अंतर है, संसार का आकर्षण पीड़ा देता है, संसार के आकर्षण का परिणाम दुख है, लेकिन कृष्ण का आकर्षण आनंद से भर देता है, इसलिए आप कृष्ण हैं। हे प्रभु जो मेरा मन बार बार संसार की ओर आकर्षित होता है, ऐसी कृपा करें कि ये मन आपके चरणों में आकर्षित हो और इस मन को आनंद मिले, इस मन को आनंद मिले। और जब आप राम कहते हैं, अब राम का अर्थ यहां क्या है, देखो एक भाव में तो कृष्ण कृष्ण हो गए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, लेकिन एक भाव से जो और गहरा है वृंदावन की रीति से, तो वहां राम शब्द का अर्थ क्या है, जो नित्य प्रति नित्य पल श्री राधा रानी जी के साथ रमण कर रहे हैं, जो अपनी गोपिकाओं के सत में अपने ग्वाल बालों के संग में अपनी गायों बछड़ों के साथ रमण कर रहे हैं, जो अपने भक्तों के साथ रमण करते हैं, इसलिए वो राम है, रमण करने के कारण वो राम है। इसलिए हे गोविंद आप ऐसी कृपा करें जैसे आप अपने भक्त संतों महात्माओं के साथ श्री राधा रानी जी के साथ ग्वाल बालों के संग में गोपिकाओं के संग में रमण करते हैं, हे प्रभु मैं भी उनकी कोई किंकरी बन जाऊं,
कुछ क्षण का ऐसे आ जाए कि मैं उन्हीं की पद रेणु बन जाऊं और हे प्रभु आप मेरे संग भी रमन करो, मेरा साहस नहीं है, मेरी समर्थता नहीं है, मैं आपको आकर्षित कर पाऊं, मैं आपके संग रमन करने की चेष्टा नहीं कर सकती, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका मेरे संग रमन हो जाएगा और युग युगांतरों की अनंत अनंत जन्मों की अभिपसा तृप्त हो जाएगी। प्रभु आप कृपा करेंगे। यद लब्धवा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, आप कृपा करेंगे तो होगा। इसलिए ऐसी परम तृप्ति गोविंद आप कृपा करके दीजिए, क्योंकि आप राम हैं। इसलिए राम जैसी मर्यादा और कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, लेकिन जब तक जीवन की मर्यादा, अब मान लो कथा में आप आते हैं, कथा में मर्यादा ना हो, कथा में अनुशासन ना हो, तो फिर आप रस नहीं ले पाएंगे। आप आ तो जाएंगे लेकिन रस नहीं, अनुभूति नहीं हो पाएगा। रसा स्वादन कब होगा? जब पहले मर्यादा होगी, जीवन मर्यादित होगा और तब कृष्ण आएंगे, तो फिर उसका रसानुभूति कुछ अलग है, उसका आनंद कुछ और है, उसका आनंद कुछ और है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। संत बार बार कहते नाम जपो, क्यों प्रतिदिन कहा जाता है? नित्य प्रति उठ के हर वक्त नाम जपिए, उठते बैठते सोते जागते हर अवस्था में नाम का आश्रय लीजिए, कहीं बैठ जाइए वह नाम जपते रहिए, प्रभु के अंग संग उनके उनके प्रेम का रस आस्वादन। बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सन का दिक राजित, जो रज शिव सन का दिक राजित, सोरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मेरी लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे रज पाऊं। जीवन मर्यादित, राम राम रूप में प्रभु आए, ऐसी मर्यादा, ऐसा आनंद वर्षा, और तभी कृष्ण चित्त समझ आएगा। एक सामाजिक जीवन कैसा है और किस तरीके से जिया जाए वो राम कहते हैं। परिवार का परिवार के साथ रिश्ता कैसा है, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामायण सिखाएगी, ये रामचरित्र सिखाएगा। माता पिता का बच्चों के साथ क्या रिश्ता है, क्या व्यवहार है, ये मानस सिखाती है। भाई का भाई के साथ संबंध क्या है, ये मानस सिखाती है। पति पत्नी का संबंध क्या है, ये मानस सिखाती है। सेवक का स्वामी का संबंध क्या है, ये मानस सिखाती है। गुरुदेव शिष्य का संबंध क्या है, ये मानस सिखाती है। और यहां तक कि शत्रु के साथ भी व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। जीवन को जीने का सही सलीका, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज द आर्ट ऑफ डेथ। जीवन कैसे जिया जाए वो राम का चरित्र बताता है, और कैसे मरा जाए कला एक ही है, आप मरना सीख गए, आप जीना सीख गए, वो भागवत बताती है। दोनों में यही अंतर है और यही गहराई है। एक एक पलिका ऐसे, एक कणिका ऐसी जीवन की उतरे जब रसानुभूति हो जाए, रसास्वादन हो जाए। बड़ी संक्षिप्त रूप में राम जी की बात की, केवल यह समझाने के लिए मर्यादा, राम रूप में प्रभु आए, कोई भेद नहीं है, कोई कला का भेद नहीं है, केवल राम गुप्त कर लेते हैं, कृष्ण प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सबसे मधुरिमा क्या है, संगीत और नृत्य। बस राम नाचे नहीं, थोड़ी कमी रह गई। राम उठ जाते, राम हाथ उठा लेते, थोड़ा झूम लेते, थोड़ा गा लेते राम जी, तो फिर वही परिपूर्णता प्रकट हो जाती। जबकि परिपूर्ण ब्रह्म है, लेकिन जो गुप्त की, अब भगवान को आना पड़ेगा। और एक खास बात राम जी के जीवन में, राम जी गऊ सेवा नहीं कर रहे, ये थोड़ी कम है राम जी के जीवन में। पता नहीं सामाजिक झंझट ज्यादा थे, नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इसलिए इसलिए ध्यान दीजिए, जब कृष्ण बनकर आए तो किस रूप में आए, गोपाल बनकर आए,
आई गईयों के मध्य में, नामकरण गईयों के मध्य में हो रहा है, और गौ सेवा करने के लिए तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए वृंदावन का प्रत्याग कन्हैया नहीं करते हैं। आप कभी मूल में जाइएगा भागवत के, मथुरा में और द्वारिका में भगवान का भगत रूप है, भगवान है वहां, लेकिन वृंदावन में हमारे कन्हैया भगवान नहीं है। वृंदावन में तो परम प्रियतम है, परम रसिया है, लेकिन वहां पर भी ये रस प्रकट कब होता है? रसिकाचार्य कह रहे हैं, अब मैं वृंदावन धन पायो, लेकिन रस की अनुभूति कब होगी? राधा चरण शरण मन दीजो, 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 मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब सदगुरु टेर जगायो, ओ सदगुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। आप तरीका भूल गए वृंदावन का, मैंने कल भी बताया था, जब वृंदावन की बात हो थोड़ा हाथ उठा के बोलिए, अब मैं, अब मैं वृंदावन, अब तो व्यास विहार विलोकित, अब तो व्यास विहार विलो, नारद मुनि गायो, ओ शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन
राधा चरण शरण मन दीजो, राधा चरण शरण मन दीजो। क्यों बार बार रसिकाचार्य कहते हैं किशोरी अपने चरणन की रज दीजे, किस लिए? बिना श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए हुए आप गोविंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। राधा चरण शरण मन दीजो, राधा चरण शरण मन दीजो, और मोहन लाल रिझायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं आज डबल रोल है। अब मैं, अब मैं मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। ये सब रूप ऐसा है कि कृष्ण माधुरी ऐसी है। कई छन राधा प्रेमा कई छन मधुरीमा, ये माधुरी ऐसी है और ऐसी विलक्षण माधुरी कि कई बार घनश्याम खुद सोचते हैं, बोले श्री किशोरी जी को प्राप्त करके जो सुख मुझे मिलता है वो तो मुझे अनुभव होता है, लेकिन मुझे प्राप्त करके श्री राधा रानी जी को कौन सा सुख मिलता है इसकी अनुभूति मैं कैसे करूंगा। फिर एक बार विचार करते कई छन मधुरिमा, मेरी माधुरी कैसी है। देखो भगवान विचार कर रहे हैं, बोले मेरी माधुरी कैसी है जो सकल विश्व आकर्षित होता है, क्योंकि ये तो मुझे देखता है, ये मेरा अनुभव करता है, मेरी मधुरिमा का अनुभव करता है, लेकिन मेरी मधुरिमा है कैसी ये अनुभूति मुझे नहीं होती, ये मुझे नहीं होती। कई छन राधा प्रेमा कई छन मधुरिमा, तो कैसे अनुभव हो? बोले एक ही हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि अपनी मधुरिमा देख पाऊं। मैंने पहले दिन भी कहा कि शबरी को देखकर राम विचार करते हैं, इसकी सेवा का आनंद राम लेते हैं, शबरी के भाव का आनंद राम जी लेते हैं, शबरी को पाके भगवान को बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुकून मिला, बड़ा आनंदित हो गए, जैसे माँ कौशल्या की गोदी का प्रेम अनुभव राम करते हैं, ऐसा शबरी माँ को मिलके राम का राम जी को अनुभव होता है। शबरी को पाके राम क्या अनुभव करती है जानते हैं, लेकिन राम जी को पाके शबरी को अनुभव क्या होगा ये राम नहीं जानते। तब भगवान ऋणी हो जाते, वृंदावन में ठाकुर जी ऋणी हो गए। वृंदावन की धरा ऐसी है, वृंदावन का प्रेम ऐसा है, जहां ठाकुर ऋणी रहते हैं, गोपिकाओं का ऋण नहीं चुका पाए, ग्वाल वालों का ऋण नहीं चुका पाए, गईयों बछड़ों का ऋण नहीं चुका पाए, श्री किशोरी जी का ऋण नहीं चुका पाए, यशोमती मैया नंद बाबा का ऋण नहीं चुका पाए, वो नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि ऐसी कुछ उपलब्धि नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं जो बदले में दे पाऊं। और तब भगवान ही नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु को कहना पड़ता है अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं तो हूं भगतों को दास और भगत मोरे मुकुटमणि। इसे जितने रूप प्रभु प्रकट करते हैं, ध्यान दीजिए जितने भी आए हैं सब अवतार हैं। अब ये भेद है, अवतार है, अवतार का अर्थ क्या होता है, जो ऊपर से आया है नीचे, ऊपर से अवतरित हुआ है, आया है, और अवतार माने जो परिपूर्ण नहीं है, जिसमें कुछ अंश है उस सुप्रीम पावर का, उस निराकार ब्रह्म का कुछ अंश है, चाहे वो 99% हो लेकिन 100% नहीं है, अवतार का अर्थ है कुछ रह गया, कुछ रह गया। इसलिए जितने हुए हैं सब अवतार हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, पूरी शक्ति उसी रूप में, परिपूर्ण कला संपूर्ण, समग्र जीवन जैसा मिला वैसा स्वीकार करना बड़े आनंद में। आप कन्हैया को देखो, जहां देखोगे बड़ी मौज में पाओगे। आप कन्हैया को यमुना जी के किनारे खड़ा कीजिए और जल की एक एक लहर के साथ मिलाने का प्रयत्न कीजिए, बिल्कुल मिलेगा, मैच करेगा उनका चेहरा।
जिस वृक्ष के तले कृष्ण खड़े हैं उसके एक एक पत्ते के साथ कृष्ण को मिलाने का प्रयत्न कीजिए, एक एक पत्ते के साथ कृष्ण मिलेंगे। अनंत आकाश के तले कृष्ण को खड़ा कीजिए, जितनी अनंतता इस आकाश में उससे कई अनंतता श्री कृष्ण में आपको मिलेगी। ऐसा सुंदर है, ऐसा रूप लवण्य, ऐसी मधुरिमा श्री कृष्ण में है, जो अपनी अदा से, अपनी बांकी अदाओं से संपूर्ण विश्व को, एक विश्व नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित कर लेते हैं, फिर आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन ये आनंद तब समझ आएगा जब जीवन मर्यादित हो जाएगा, इसलिए पहले राम है फिर कृष्ण है। और देखो मजे की बात यह है कि नवम स्कंद के अंत में सुखदेव जी ने केवल दो श्लोकों में कृष्ण कथा पूर्ण कर दी, केवल दो श्लोकों में इतना सुनाया परीक्षित, प्रभु आए मथुरा में, फिर गोकुल चले गए, कुछ लीलाएं की, गोपिकाओं के घर में माखन की चोरी की, यमुना के तट पर महारास की क्रीड़ा की, अगासुर बकासुर का वध किया, 14 वर्ष फिर मथुरा में रहे, पूरे 100 वर्ष द्वारिका की लीला करते हैं, महाभारत युद्ध के जरिए बड़े बड़े दैत्य को खत्म कर दिया, और फिर भगवान 125 वर्ष की आयु में सब धाम चले गए। केवल दो श्लोक में ये बात करके सुखदेव शांत हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, इससे आगे कथा नहीं कहते। किस लिए? बोले यहां तक का अधिकारी हर जीव है, लेकिन कृष्ण कथा का अधिकारी हर जीव नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आए हैं तो माने कुछ अधिकार होगा, आप लोग सुन रहे हैं कुछ अधिकार होगा, हर जीव अधिकारी नहीं, पात्रता नहीं है। सुखदेव देखना चाहते हैं कि जो कथा का रस ले रहा है, मेरे सन्मुख बैठा है परीक्षित, क्या वो इस वार्ता का, इस वाणी का अधिकारी है? क्या उसमें उतनी प्यास है, उतनी जागृति है? क्योंकि जब तक वैसी ललक आपके भीतर ना उठे कृष्ण कृष्ण रस लेने की, वैसी पात्रता आप में नहीं उठे। जबकि ये भी निश्चित है, पात्रता खुद भगवान देते हैं। केवट कहते हैं ना संतों से, बोले बोले मेरे दर पर राम आए, मैंने योग नहीं किया, मैंने साधना नहीं की, मेरे जीवन का प्रयास नहीं है, और मुझ में कोई पात्रता भी नहीं है, और मुझे केवल इतना अनुभव होता है कि जिस पर रघुनाथ जी कृपा करते हैं वो पात्र हो जाया करता है। ऐसे नाम की महिमा है जिस पर प्रभु, कल भी हम बात कर रहे थे, आप किसी साधन से सही नाम जपते रहिए, रसना पर नाम आएगा, झूठा ही सही, दिखावे के लिए सही, दिखावे के लिए सही। आज सुबह मैं जा रहा था रास्ते से, तो कई लड़के बाइक पर जा रहे थे और देखकर उपहास में राधे राधे बोल रहे थे, उपहास में, क्योंकि समझ आती कौन किस लहजे में बोलते, उपहास में। मैं कितना अच्छा हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, बोले किसी तरीके से सही नाम निकलना चाहिए। आप क्रोध में बोलोगे नाम बोलोगे तो नाम कल्याण करेगा, आप हंसी में बोलोगे तो कल्याण करेगा, प्रेम से बोलोगे तो कल्याण करेगा, और कोई उपहास में तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए भी कहेगा कृष्ण, तो भी उसका उद्धार होगा ही होगा। जब प्रभुपाद पहली बार फौरन गए, बाहर गए, तो चलकर वहां पर जो, और कहां जाकर बैठते हैं, जहां बिल्कुल लोग शराब पी रहे थे महाराज जी, उनके बीच जाकर बैठ गए, बोले कृष्ण बोलो। अब उन्हें क्या पता कृष्ण कौन है। बोले प्रभुपाद कहते हैं, बोले मेरा जीवन तभी सार्थक है अगर ये कृष्ण बोले। भक्त तो बोलेगा, जिसके मन में सदा रम रहा है वो तो हमेशा कहेगा, बात तो तब बनेगी जिस मूढ़मति को पता नहीं है, जो संसार की गर्त में फंसा हुआ है, एक बार तू बोल कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, गौर महाप्रभु क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु को बुलाया, हरिदास बाबा को बुलाया, बोले आज से आपकी एक सेवा है। बोले क्या सेवा करेंगे, बोले घर घर जाओ, भिक्षा मांगनी है। बोले क्या भिक्षा मांगे, बोले जिस दर पर जाओ उन्हें कहो, एक बार प्रेम से बोलो हरि बोल, बस इतना कहना काम हो जाएगा, जैसा भी व्यक्ति हो। और आप कभी चैतन्य चरितामृत में जाइए, जब निताई प्रभु गए हरिदास बाबा के साथ, एक बार तो जगाई मधाई मिल गए, तो उनको जाकर कहते सबसे दुष्ट व्यक्ति, बोले प्यारे एक बार प्रेम से कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, और उन्होंने उठाकर चीज उठाई और भारी तमका उठाकर सर पर मारा, रक्त बह रहा है निताई गौर के, निताई प्रभु के रक्त बह रहा है, धार बह रही है, और कहते प्यारे प्रेम से हरि बोल, एक बार तू हरि बोल।
वो मारता जा रहा है, वो बोल रहे हरि बोल, तू हरि बोल, तू एक बार हरि बोल। जिस दर पर जाए भिक्षा ले और कोई माई आए बाहर, माई ये ना चाहिए, तेरा अन्न ना चाहिए, वस्त्र ना चाहिए, बोले क्या चाहिए, बोले प्रेम से हरि बोल, एक बार हरि बोल बस। बोले ये क्या भिक्षा, बोले यही भिक्षा है, तो प्रेम से एक बार हृदय से बोल दे हरि बोल, तेरा काम हो जाएगा। जबरदस्ती बुलाते जा जाकर जबरदस्ती, बोले प्रेम से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और ऐसा भाव, ऐसी तरंग उठती जब कोई गौर महाप्रभु को देखता, सहज मुख से निकलता हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप भी बोल लो। और त्रिका बते, बोले ऐसे नहीं बोलना, बोले हाथ उठा के बोल हरि बोल। क्या लहर छेड़ दी महाप्रभु ने, बोले संकीर्तन करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण हे 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 इसलिए उठते बैठते किसी अवस्था में सही नाम जपते रहिए। मजाक में कहिए, क्रोध में कहिए, प्रेम से कहिए, भाव से कहिए, नाम रसना पर आएगा तो आपके चित्त का उद्धार करके जाएगा, कल्याण करके जाएगा। पात्रता देखते हैं सदगुरु, पात्रता देने वाले भी गुरुदेव खुद ही हैं। ये बख्शीश देने वाले वही हैं। कोई काबिल मुर्शिद मिले नजर बख्शे तो फिर वो नजर आए। ये काबिलियत भी एक पूर्ण सदगुरु ही देता है। सुखदेव देखते पात्रता क्या है, शांत हो गए दो श्लोक में वर्णन करके श्री कृष्ण का। और चौथा दिन है, गंगा जी के तट पर बैठे हैं भूखे प्यासे परीक्षित। और जैसे ही शांत हुए, कुछ समय बीता, नेत्र बंद थे गुरु महाराज के, और परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव जिस आनंद को लेने के लिए बैठा हूँ, जिस श्री कृष्ण की लीला का अनुसरण मैं करना चाहता हूँ, और जब जब उस कृष्ण लीला में प्रवेश करने का वक्त आया तो प्रभु आप केवल दो श्लोक कहकर आप शांत हो गए, कृपा कीजिए। आप नहीं कृपा करेंगे तो कौन उद्धार करेगा। ये चित्त केवल कृष्ण की लीला सुनना चाहता है। इस अंतर आत्मा में उस रस को भर दीजिए, उस आनंद को भर दीजिए। मुझे एक 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 लीला का वर्णन सब विस्तार सुनाइए। कैसे कृष्ण आए, कैसे मथुरा में आए, कैसे गोकुल में गए, फिर वो कैसे ठाकुर जी का एक एक घर में जाना, गोपिकाओं के घर में माखन की चोरी करना, ग्वाल बालों के संग रमण करना, वो गईयों बछड़ों को चुराना, वृंदावन की कुंजों में विहार करना, वो गोपिकाओं के संग में महारास कीड़ा, वो एक एक मधुरिमा, वो एक एक माधुर्य श्री कृष्ण का मुझे भर लेना है। मथुरा की परम लीला कैसे प्रभु आए, एक एक लीला विस्तार से सुनाइए। गिरिराज जी को धारण करना, कालिया का दमन करना, दावानल से उस भड़कती अग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, ये प्यास है हृदय की। देखो पात्रता होगी, प्यास नजर आएगी तो गुरुदेव कृपा करेंगे। परीक्षित पात्र है और तब गुरुदेव कृपा करते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित तो अधिकारी है, लेकिन एक बड़ी सावधानी की बात कही, परीक्षित सावधान हो जाना। किस लिए? क्योंकि अभी तक जो तूने सुना है वो मात्र सुना है, लेकिन कृष्ण लीला वो अद्भुतता, वो मधुरिमा है जो केवल सुनेगी नहीं, तुझे दिखेगी भी, तुझे दिखाई भी देगी। कृष्ण लीला ऐसी है, ऐसी अद्भुत, तुझे दिखाई भी देगी। लेकिन सुखदेव की गुरु कौन है? श्री राधा रानी जी। और सुखदेव जानते हैं कि कृष्ण लीला का वर्णन बिन किशोरी कृपा के नहीं होता।
राधा चरण शरण मन दीजो और मोहन लाल रिझायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। बोले जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती तब तक कृष्ण रस प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण रस की अधिकारिणी केवल राधा रानी जी हैं, केवल किशोरी जी हैं। किशोरी जी कृपा करें तो कृष्ण चरित्र समझ में आए। सुखदेव भी शांत हो गए, सुखदेव भी शांत हो गए, किस लिए? बोले कृष्ण कथा को कहने का साहस तो मुझ में भी नहीं है। हे राधा रानी जी, हे सरकार, आप ही ये वर्णन कर सकती हैं। हे किशोरी जी, अब आप कृपा करो। और ध्यान दीजिए, दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी श्री राधा रानी जी का आश्रय लेते हैं, राधा रानी कृपा करती हैं तो कृष्ण चरित्र प्रकट होता है। और फिर प्रारंभ हुआ यदवंश का जिक्र, देवकी वसुदेव की बात। बड़े आनंद से कंस सारथी बनकर देवकी को लिए जा रहा है। आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, तो जिसे इतने साथ सम्मान लिए जा रहा है इसी का आठवां गर्भ तेरा काल बन के आएगा। अब सामाजिक प्रेम बह गया। कंस उतना रथ से नीचे, देवकी को केशों से पकड़ा, नंगी तलवार हाथ में मारने को तत्पर है। तो वसुदेव बड़ी नीति से समझाते हैं, बोले आपको संतान से भय है, मैं वचन देता हूँ पर आपको संतान ले जाऊंगा, जो बालक होगा वो आपको प्रदान कर दूंगा। उस वक्त को संभाला वसुदेव ने, बोले आगे की जो होगी सो देखी जाएगी, अब कल का क्या पता, ये हो के ना हो ये भी क्या भरोसा, लेकिन कम से कम इस वक्त वर्तमान स्थिति को मुझे संभालना है, किसी नीति से संभालना है। और देखो यही समझदारी है कि वर्तमान में स्थिति को आप संभाल लीजिए, भविष्य की बात बात में होगी। वर्तमान संभाला जाए तो भविष्य सुधर जाता है। और वसुदेव बड़ी नीति से वर्तमान स्थिति को संभाल रहे, मुझे इसी स्थिति को संभालना है। और बड़े बड़े प्रेम से उसके मन को परिवर्तित कर रहे हैं। कंस आपको भय है गर्भ से, संतान से, मैं वचन देता हूं संतान दे जाऊंगा। कारागार में डाल दिया गया और कुछ समय के बाद प्रथम संतान हुई। वचनानुसार लेकर आए वसुदेव, कंस को अर्पित किया। और कंस ने क्या किया, बड़ी बेरहमी से उस बालक का वध कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया है, कहीं भीतर रहम नहीं है, बस देखता है। जबकि बालक इतने मासूम होते हैं कि पत्थर भी पिघल जाए, ऐसी भगव स्वरूप, लेकिन भगवान की जैसी माया। और कंस ने एक एक बालक का वध किया, 6 पुत्रों का वध कर दिया। और सप्तम पुत्र के रूप में शेष भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, बलभद्र के रूप में। लेकिन देवकी के गर्भ में आए, लेकिन संकर्षण के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया, रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए बलराम जी। बोले बलभद्र भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी। और अष्टम पुत्र के बारे में, अब श्री कृष्ण आएंगे, परिपूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा। और कहते ब्रह्मा समाधि में बैठे थे और क्या आनंद प्रकट हुआ समाधि में। गिरम समाधो गगने, नेत्र अश्रुपात हो रहा है ब्रह्मा का, पूरा बदन रोमांच से भर रहा है, शरीर एकदम पुलकित हो गया। समस्त देवताओं को बुला लिया, साधु महात्माओं को बुला लिया, संतों को बुला लिया। बोले मैंने समाधि में कुछ सुना है, मैंने समाधि में कुछ सुना है। बोले क्या सुना ब्रह्मदेव आपने? बोले मुझे 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 ब्रह्म की आवाज सुनाई दे रही है, प्रभु आने वाले हैं। बोले कहां? वृंदावन में आएंगे, ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं, परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में आएगा। बोले आज्ञा करें, क्या करें? और देखो ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, समस्त संतों से महात्माओं से देवताओं से, बोले प्रभु के आने से पहले चले जाओ, उनके आने से पहले वृंदावन में चले जाइए, पूरे ब्रज में चले जाइए। और जैसा जैसा जिस जिसको जो जो बनना है सेवा करने के लिए बन जाइए। बस इतना कहना था और सब लोग आ गए, संत महात्मा देवतागण बड़े भाव से। वेद की श्रुतियां प्रकट हुई और गोपिका बनकर प्रकट हो गई। मिथिला की वो जितने नर नारियां जो राम जी को देखा था, राम जी के रूप को देखकर लुभायमान हो गए थे, समस्त गोपिका बनकर प्रकट हो गए। बड़े बड़े संत महात्मा, कितने कितने वर्ष साधना करने वाले, श्री वृंदावन बिहारी की सेवा करने के लिए ठाकुर जी के आने से पहले ब्रज में प्रकट हो गए सेवा करने के लिए। और कोई वृंदावन धाम की गोपिका बन गया, कोई ग्वाल बाल बन गया, कोई वृंदावन के धाम की गैया बछड़े बन गया, कोई वृंदावन धाम के
मृग बन गया, गोप पीहा बनकर प्रकट हो गया। कितने कई संत महात्मा तो ऐसे हैं जो श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष बनकर प्रकट हो गए, कि जब वृंदावन बिहारी पुष्पों का श्रृंगार करके पीताम्बरी धारण करके चरणों की नुपुर को छमछमाहट करते हुए वेणु वादन करते करते श्रीधाम वृंदावन की कुंजों से गुजरेंगे, हम झुक झुक कर प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी। ओए कंजूसी ना करया करो, हाथ ऊपर उठा के बोलो वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन धाम की जय जय। समस्त संत महात्मा आ गए। और कहते कुछ संत जो शेष रह गए थे ब्रह्मा के पास आए, और ब्रह्मदेव से आकर कहते महाराज हमें भी चलना है वृंदावन में। ब्रह्मा ने कहा अब तो कोई जगह बची नहीं, क्योंकि देखो देखो नजारा जो बाद में आए पीछे बैठ जाएंगे, आगे मत आइए। बोले श्री वृंदावन बिहारी। कुछ संत महात्मा ब्रह्मा के पास आए, हे जगत विधाता सब चले गए हैं, हमारी बारी कब आएगी, हमें भेज दीजिए। बोले कहाँ? बोले वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। बोले प्यारे अब तो कोई जगह बची नहीं है, इन्हें बिठा दीजिए, क्यों बार बार खड़े हो यहाँ पे। पीछे सेवा वाले कहां पर है, किसी को आगे मत आने दीजिए, पीछे रुकिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी। संत महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, और ब्रह्मा कहते बोले कोई स्थान नहीं। बोले गोपिका बना दीजिए। बोले इतनी गोपिकाएं वृंदावन में हैं, वेद की श्रुतियां, दंडकारण्य के संत महात्मा, मिथिला के नर नारियां सब गोपिकाएं बनकर प्रकट हो गए। बोले ग्वाल वाला बना दो। बोले वो भी नहीं है। बोले वृंदावन के वृक्ष लता पता बना। बोले जाकर देखिए वृंदावन में, इतना घना वन है, इतने वृक्ष लता पता है, कोई स्थान नहीं है। बोले मोर बना दीजिए। बोले पहले वृंदावन में इतने मोर हो गए कि मोर कुटी बनानी पड़ी, कोई स्थान नहीं है। बोले कोई तो होगा, मृग होगा, पपिया होगा, पशु पक्षी, कुछ तो बनाइए। बोले कुछ नहीं है, अब सब परिपूर्ण हो गया। तो संतों ने कहा ब्रह्मदेव एक स्थान ऐसा है जहां पर कमी नहीं होती, जितना चाहो सो उतना भर सकता है। बोले वो कौन सा? बोले आप हमें वृंदावन धाम की रज बना दीजिए, रज तो जितना चाहे उतना हो सकती है। बोले वृंदावन धाम की। और देखो यही रज संतों को कितनी प्यारी है। संत महात्मा कहते हैं ब्रज धुरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सुमोही बचाए रहो, जग जाल सुमोही बचाए रहो। हे गोविंद हमें ब्रज की रज बना दीजिए। क्यों? इसी रज में श्री प्रिया प्रियतम नंगे पग चलते हैं। आज भी जाइए संत महात्मा भक्तजन इसी रज में लोटपोट होते हैं, नंगे पग चलते हैं, क्या आनंद ब्रज की रज का है। तो बार बार कहते तो वृंदावन जाइए तो इस रज को मस्तक पर धारण कीजिए, इस रज का तिलक कीजिए। आज भी संत महात्मा भक्त वृंद श्री ठाकुर जी नंगे पग ही चल रहे हैं इसमें। आज भी दर्शन होंगे तो देख लीजिएगा श्री बांके बिहारी नंगे पग मिलेंगे, चरणों में नुपुर मिलेगी, छमछमाहट और खूब आनंद प्रभु का। पूरा ब्रज भर गया प्रभु का स्वागत करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान बाद में आए हैं, ठाकुर जी बाद में आए हैं, और समस्त सेवक, समस्त ठाकुर जी के भक्तगण, महात्मा देवतागण, जिन जिन को जो जो सेवा प्रभु की करनी है वो सेवक पहले पधारे हैं। और यही धर्म है, सदगुरु आए खबर मिल जाए प्रभु आ रहे हैं तो उनके आने से पहले पहले हमें तैयारी कर लेनी है, उनके आने से पहले पहले हमें सेवा की तैयारी करनी है। राम बाद में आएंगे, शबरी तैयारी पहले करेगी, पहले पुष्प का रास्ता बनाएगी, पहले भगवान के लिए फल चुनकर रखेगी। क्या खबर कब आ जाए, क्या खबर किस वक्त आ जाए। इसलिए इसलिए स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, उसका कोई खबर नहीं है।
किस रूप में कब प्रकट हो जाए, कब आ जाए, कब आपकी सेवा स्वीकार कर ले, ये वही जानते हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन आप तैयारी रखिए, आप तैयारी रखिए पूरी, इस कदर तैयारी रखिए शबरी की तरह, इस कदर प्रतीक्षा कीजिए, ना जाने अभी आते होंगे, बस अभी आते होंगे, इस कदर तैयार बैठिए। और आज आनंद कंद भगवान श्री मुरली मनोहर श्री ठाकुर जी प्रगट होने जा रहे हैं। पहले नारायण प्रगट होंगे, अभी कृष्ण प्रगट नहीं होंगे। मथुरा में कारागार में नीलमणि प्रकाश प्रगट हुआ, देवकी वसुदेव जी देख रहे हैं, और वही एकदम परिपूर्ण वो ब्रह्ममय तेज, वो अनंत तेज नीलमणि प्रकाश आकृति लेने लगा, और देखते थे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी की जय। प्रभु ने याद करवाया, याद कीजिए, आपने बड़ी साधना की थी मुझे पाने के लिए, आपने बड़ी साधना की थी, मनुष्य रूपा के रूप में आपने साधना की, नैमिषारण्य की धरती पर प्रथम तीर्थ, संसार का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य, जहां मनुष्य रूपा साधना करते हैं, भगवान प्रगट हुए। मांगो क्या चाहिए, कोई संसारिक इच्छा मन में नहीं, कामना नहीं, हे प्रभु बस आपकी इच्छा है। देखो क्या 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 इच्छा है, अगर मन में इच्छा हो तो इनको पाने की इच्छा हो बस, प्रभु आपकी इच्छा, आप आ जाइए, कुछ और प्रयोजन नहीं है, संसार से हमारा प्रयोजन नहीं है, ये मन वृंदावन हो जाए, ये मन आप में बस जाए, आप हमारे हो जाएं, हम आपके हो जाएं। सुन मेरे सांवरिया, तेरा दर्शन मैं पाऊं, सुन मेरे सांवरिया, तेरा दर्शन मैं पाऊं, तू मेरा जहाँ तेरा ही नाम मिले वो धाम हमें दे दो, जहाँ तेरा ही नाम मिले वो धाम हमें दे दो, अपने चरणों की भक्ति का दान भगवान हमें दे दो, अपने चरणों की भक्ति का दान भगवान हमें दे दो, मेरे राम हमें दे दो, घनश्याम हमें दे दो, मेरे राम हमें दे दो, जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो, जो मैं हर दम जपती रहूं वो नाम हमें दे दो। मन की एक इच्छा, प्रभु आप आ जाइए, किस रूप में बोले, आप एक इच्छा हमारे मन में पनपती है, आप जगत पिता हैं और हम जगत पिता के पिता बने, उसके माता पिता बने, ये अभिलाषा हमारे मन में है, और भगवान ने तीन बार तथास्तु कहा और तीन जन्म लेकर आ रहे हैं, अदिति कश्यप के यहाँ वामन रूप में, कौशल्या दशरथ के यहाँ राम रूप में, और अब की बार देवकी वसुदेव के यहाँ परिपूर्ण रूप में कृष्ण बनकर प्रकट हो रहे हैं। नारायण ने याद करवाई चतुर्भुज रूप, और उसी वक्त भगवान अंतर ध्यान हुए, ठाकुर जी का नीलमणि प्रकाश प्रकट हुआ और देवकी के गर्भ में स्थापित हो गया, और फिर उसकी स्तुति देवता गण करते हैं, देवता गण करके स्तुति करके वापस गए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम, 9 बार सत्य कहकर संबोधन किया,
मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं, गुरु महाराज जी आए तो उनके हाथों अभिषेक भी हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। नीलमणि प्रकाश की भगवान की स्तुति हुई। और फिर कितने बजे भगवान प्रकट होने जा रहे हैं? रात को राम बनकर आए दिन को 12 बजे, कृष्ण बनकर कब आए? रात को 12 बजे। क्यों? कन्हैया से पूछते हैं संत महात्मा, बोले राम में 12 बजे दिन को, कृष्ण में रात को, क्यों? कन्हैया बोले सरकार राम कौन है आपके? राम जी राजा है, राजा। और राजा की सवारी कब निकलती है? दिन को निकलती है। और हम कौन है? चोर। और चोर कब आते हैं? वृंदावन एक चोर बसत है, वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर, वृंदावन की ओर चलो मन। देखो अब इस चित्त को ब्रज बना लीजिए, क्योंकि अब गोविंद आने वाले हैं, अब ब्रजवासी हो जाइए। एक ब्रजवासी वो होता है जिसका जन्म ब्रज में हुआ, जो रहता भी ब्रज में है। एक ब्रजवासी वो है जिसका जन्म ब्रज में हुआ, रहता कहीं भी हो वो भी ब्रजवासी है। एक जिसका जन्म कहीं हुआ लेकिन अब ब्रज में रहता है वो भी ब्रजवासी। लेकिन एक वो भी ब्रजवासी है जिसका ना तो जन्म ब्रज में हुआ, जो ना रहता ब्रज में है, लेकिन उसका मन सदा ब्रज में रमा हुआ है, वो भी पक्का ब्रजवासी। इसलिए रसिकों ने मन को इशारा किया, रे मन वृंदावन निहा, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहा, रे मन। स्पष्ट निर्देश, बोले वृंदावन की धरा में ही वृंदावन बिहारी है, उसे बाहर नहीं। वृंदावन के बाहर जितना भजन करो, वृंदावन में जाकर सो जाओ, ज्यादा अच्छा है। फिर कहूं, मेरे कहने का अर्थ ये मत निकालना कि सो जाओ, मेरे कहने का अर्थ इतना है कि वृंदावन में सोने की इतनी ज्यादा महिमा है, तो वृंदावन में भजन की कितनी महिमा है। भजन करो, खूब पुकारो जाकर वहां पर, समय व्यर्थ नहीं करना, सोने का प्रत्याग करो। एक रात कोई वृंदावन की कुंजों में भटकना, एक रात कोई यमुना जी के तट पर रुक जाना, एक रात कोई इसी गलियों में थोड़ा इधर चक्कर लगाना, लेकिन एक अभिपसा लेकर कि यहीं मिलेंगे ठाकुर जी, यहीं आएंगे कुंज बिहारी, यहीं राधा वल्लभ सरकार का दर्शन होगा, यहीं कहीं प्रभु मिल जाएंगे, गैया चारण करते करते नंद नंदन का दर्शन यहीं कहीं हो जाएगा। आइए मिलकर वैदिक रीति से स्वागत करें ठाकुर जी का, जब भगवान प्रकट हो रहे हैं, रात के 12 बजे श्री कृष्ण आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, किसी ने उठना नहीं, किसी ने भी गलती से अपना मोबाइल बाहर नहीं निकालना, ये ध्यान रखिएगा, वरना मोबाइल जब्त हो जाएंगे आपके, मिलेंगे नहीं द्वारा।